विदेशी बाजारों में मायूस निवेशकों के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी निवेश की एक बड़ी वजह बनती जा रही है। चुनावों के शुरुआती फेज तक भी विदेशी निवेशकों को यहां के कैपिटल मार्केट्स पर भरपूर यकीन था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनावों के नतीजों का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शेयर बाजार में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका की थ्योरी जोर पकड़ती जा रही है। निवेशकों का सेंटिमेंट स्थिर सरकार न बनने की आशंका से कमजोर हो रहा है। चुनाव के बाद नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने भी बिकवाली तेज कर दी है। 3 महीने तक लगातार निवेश करने के बाद मई के 7 दिनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार से 3207 करोड़ रुपए की निकासी की है। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली का असर बाजार में भी बड़ी गिरावट के रूप में दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि चुनाव परिणाम को लेकर अनिश्चितता और साथ ही अमेरिका व चीन के बीच ट्रेड वॉर का खात्मा न होने से विदेशी निवेशकों ने ये निकासी की है। इस बीच में अगर आप देखें तो जिस तरीके से DIIs ने यहां पर बाइंग करी है, उसका भी इंपैक्ट मार्केट में धीरे धीरे बाद में देखने को मिलेगा। और सेफ स्टॉक्स में यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। सेफ स्टॉक का मतलब है कि ज्यादातर अगर आप देखें तो लार्ज कैप के या फिर मिड कैप में जो जिन पे ये बिड किया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर रिपीट करती है तो उन स्टॉक्स में कम से कम यहां से 30-40% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके जैसे ही इलेक्शन के पोल्स और आने शुरू हो जाएंगे तो वापस से मार्केट में एक तेजी का ट्रेंड शुरू होता हुआ नजर आएगा। डिपॉजिटरी आंकड़े के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs ने 2 से 10 मई के दौरान शेयरों में 1,344.72 करोड़ रुपए निवेश किए, जबकि दूसरी तरफ बांड बाजार से 4,552.20 करोड़ रुपए की निकासी की। इस प्रकार 3,207.48 करोड़ रुपए की पूंजी FPIs ने बाहर निकाल ली। अगर इसके पहले के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो फरवरी में 11,182 करोड़ रुपए FPIs ने निवेश किए थे। मार्च में FPIs ने 45,981 करोड़ रुपए का निवेश किया। अप्रैल में FPIs ने 16,093 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में निवेश किए थे। FPIs के इस बदलते रुख पर जानकारों का मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार है, लेकिन मई में शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये खलबली विदेशी निवेशकों के दरमियान देखने को मिली है। ट्रेड वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी या फिर अगर देखें तो आगे जो ग्लोबल मंदी के संकेत मिले हैं, इस वजह से यूरोप हो या यूरो जोन हो या US हो, वहाँ के मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। खासतौर से इस समय देखें तो बॉन्ड यील्ड में भी काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। साथ ही अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो ये तो क्लियर है कि इन्वेस्टर ने लगभग 1 मई के बाद से अगर देखें तो अब तक ज़्यादातर फंड में जो है वो बिकवाली ही करी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता जा रहा है कि आगे ग्लोबल मंदी की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति रुख में बदलाव के बाद विदेशी निवेशक पिछले 3 महीने से भारतीय बाजार में निवेश करते रहे, लेकिन हाल में अमेरिका चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने और चुनाव नतीजों को लेकर छाई धुंध और कुछ दूसरे कारणों से निवेशकों ने इस महीने बाजार से पैसे निकालने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही देश में स्थिर सरकार का गठन होगा, निवेशकों के रुख में भी तुरंत ही बदलाव देखने को मिल सकता है।